जबलपुर के तुलाराम चौक स्थित तलगरवाला शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सुबह 9 बजे भीषण आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं एक एक करके दमकल के 11 वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। वहीं आग ने अंदर से पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं करीब एक घंटे की भारी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग शोरूम में पूरी तरह से फैल चुकी थी और सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां दमकल की टीम ने बताया कि सुबह के वक्त आग लगी, जिसके चलते थोड़ी दिक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अगर दिन का वक्त होता तो इस व्यस्तम बाजार में आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता, जहां आग काफी भीषण थी जिसे बुझाने में 11 दमकल के वाहन लग गए। बाजार करमचंद चौक पर सूचना वहां के लिए सूचना प्राप्त हुई फायर ब्रिगेड में कि लगभग 10:15 बजे जो आई है, तत्काल मौके पर हमने 3 से 4 वाहन रवाना किए। यहां पहुंचने के बाद ये देखा गया कि ये मेजर फायर है। तुरंत बाद हमने 7 से 8 वाहन मौके पर बुलाए। चूँकि दुकान के अंदर से ही सीढ़ी है तो आग पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किल जा रही थी, तो हमारे जो फायर ब्रिगेड जवान है कर्मचारी हैं उन्होंने आधा से पौन घंटे पर फायर पर कंट्रोल पा लिया है। थोड़ी बहुत आग बची हुई है जिस पर कार्रवाई चल रही है, मुश्किल से आधे घंटे में बुझ जाएगी। बहुत ज़्यादा व्यवस्था, मार्केट है, मुख्य बाजार है, कितनी दिक्कतें गई फायर ब्रिगेड को? दिक्कत सुबह टाइम नहीं गई, परंतु यही अगर फायर दोपहर में या रात में होता तो हादसा कुछ और बड़ा हो सकता था। लगभग कितने वाहन जो हैं वो लग गए हमारे यहाँ? हमारे वर्तमान